केमिकल आने वाले कल के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और इससे बचने के लिए ई व्हीकल काफी अहम हो जाता है और इसलिए ई व्हीकल जरूरी है। और ई व्हीकल के क्या कुछ फायदे हैं और क्या नुकसान है और सरकार भी आखिर ई व्हीकल को क्यों प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी दे रही है, देखेंगे इस खास पेशकश में। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग तेजी से बढ़ रही है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के मॉडल पर काम कर रही हैं और इलेक्ट्रिक वाहन का मतलब ऐसा वाहन जो अपनी बैटरी या किसी बाहरी सोर्स की बिजली से चलते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है और इससे फायदे क्या है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। क्या आप बढ़ते प्रदूषण से परेशान हैं? क्या आप पेट्रोल के दामों से हैरान हैं? क्या ट्रैफिक आपकी मुश्किलें बढ़ाता है? तो बदलाव के बारे में सोचना जरूरी है, तो विकल्प के बारे में जानना जरूरी है। आज के बढ़ते और बदलते दौर में क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल? हमारे आसपास प्रदूषण और पेट्रोल जैसी चीजों को लेकर खूब बहस सुनाई देती है। सड़क से लेकर संसद तक इन मुद्दों पर जमकर चर्चा की जाती है, लेकिन क्या महज जिक्र या बहस करने से समाधान निकल आएगा? नहीं ना, तो क्या हमें किसी ठोस विकल्प के बारे में नहीं सोचना चाहिए? देखने में लाजवाब, चलाने में बेहतरीन, स्वास्थ्य के लिए सुकूनदायक और बजट के लिहाज से किफायती, ये सारी खूबियां तब और अहम हो जाती हैं जब हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, बदलाव की दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त वातावरण दें। इन सारी बातों को देखते हुए हमारे लिए फायदे का मसौदा है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग तेजी से बढ़ रही है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां पूरी सक्रियता के साथ ईवी के मॉडल पर काम कर रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन को ईवी का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन का मतलब ऐसा वाहन जो अपनी बैटरी या किसी बाहरी सोर्स की बिजली से चलते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि हर किसी इलेक्ट्रिक वाहन में ऊर्जा का सोर्स बैटरी ही हो। कई ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन भी होते हैं जिसके अंदर लगी मोटर किसी दूसरे सोर्स से ऊर्जा प्राप्त करती है। 19वीं सदी के मध्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन पहली बार अस्तित्व में आया था, जब बिजली के वाहनों को आराम और संचालन के लिए पेट्रोल वाहन की तुलना में ज्यादा उपयोगी माना जाता था। लेकिन सही तकनीक न होने की वजह से इसका विकास वहीं रुक गया। हम आपको इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में और ज्यादा जानकारी दें, इससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल पेट्रोल रहित इलेक्ट्रिक से चलने वाले ये व्हीकल तीन तरह के होते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, सबसे पहले बात बीईवी की करेंगे। बीईवी मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बीईवी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन ही होते हैं जो केवल बैटरी से चार्ज करने पर चलते हैं और इसके अलावा इनमें कोई और गैसोलीन इंजन उपयोग भी नहीं किया जाता। बीईवी को बाहरी सोर्स की मदद से चार्ज किया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें लगे गैसोलीन इंजन किसी भी तरह का खतरनाक उत्सर्जन नहीं करते। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हर तरह से उपयोगी और फायदेमंद होते हैं। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन,
बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद अब बात प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन की। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन एक खास तरह का हाइब्रिड वाहन है जिसमें एक गैसोलीन या डीजल इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बड़ी बैटरी से जोड़ा जाता है। इन्हें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन में प्लग की मदद से चार्ज किया जाता है। इस व्हीकल की खासियत ये है कि इसे दो मोड में चलाया जा सकता है। पहला मोड ऑल इलेक्ट्रिक होता है, इस मोड में बैटरी और मोटर व्हीकल को फोर्स देते हैं, तो वही दूसरा मोड हाइब्रिड होता है जिसमें बिजली और गैसोलीन दोनों काम करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस तरह के वाहनों की कीमत लाखों से लेकर करोड़ों तक रहती है, इसलिए ये महंगे माने जाते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन के बाद अब बात हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी HEV, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजली और गैसोलीन की मदद से चलते हैं। HEV में लगी बैटरी को किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसमें लगी बैटरी कार की ब्रेकिंग सिस्टम से रिचार्ज होती है, इसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कहा जाता है। जाहिर है आज के बदलते दौर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R90। और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल होती हुई दिखाई देंगी। इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग से जल्दी जल्दी मेंटेनेंस से छुटकारा मिल जाएगा और शोर भी कम होगा। इस व्हीकल के इस्तेमाल से खर्च में भी कमी आएगी। एक रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल से पर्यावरण को होगा फायदा, जल्दी जल्दी मेंटेनेंस से मिल जाएगा छुटकारा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग से शोर कम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से खर्च में कमी आएगी, पेट्रोल डीजल के बिना भी दौड़ेगी आपकी गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन तो मुश्किलें गॉन। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक वाहन ही मोटर गाड़ियों का भविष्य है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब आने वाले वक्त में ईंधन की कमी को देखते हुए इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल होती हुई दिखाई देंगी। जब हम आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की इतनी सारी खूबियों के बारे में बता रहे हैं तो जाहिर है आपके मन में एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक गाड़ी होती कैसी है, बिना पेट्रोल चलती कैसे है और भारत में कौन कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूद हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके फायदे क्या हैं। इलेक्ट्रिक वाहन में ईंधन टैंक नहीं, चार्ज होने वाली बैटरी होती है। ये बैटरी बिजली की मदद से चार्ज होती है। चार्जिंग के बाद ऊर्जा बैटरी में जमा हो जाती है। इस ऊर्जा से इलेक्ट्रिक कार की मोटर चलती है। ये मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल को रफ्तार देती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से शोर कम होता है। पूरी तरह चार्ज इलेक्ट्रिक कार 400 किलोमीटर दौड़ सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से छोटी यात्रा आसानी से की जा सकती है। तो देखा आपने कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल से बिना पेट्रोल और बिना शोर आप अपना सफर तय कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि फुल चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप ज्यादा से ज्यादा 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ये पेट्रोल या डीजल गाड़ी के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन भविष्य में उसे और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि इससे छोटी यात्रा जरूर आसानी से की जा सकती है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्या है इसके फायदे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे।
अब आप सोच रहे होंगे कि जिस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने गंतव्य स्थान में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, रास्तों की दूरी को जल्द से जल्द नापना चाहते हैं, वह आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे क्या हैं? जरा ठहरिए, फायदे हैं साहब, तभी तो इसके इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, तभी तो भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करें इसका प्रयास कर रही है। प्रदूषण में कमी। प्रदूषण वो समस्या है जिससे कहीं न कहीं पूरा देश जूझ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इससे प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी। दरअसल पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हानिकारक और जहरीले गैस का उत्सर्जन करती हैं। इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। जाहिर है, अगर आप चाहते हैं कि आपका शहर प्रदूषण मुक्त रहे और आपकी सेहत चुस्त दुरुस्त रहे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से सिर्फ वायु प्रदूषण में कमी आती है, बल्कि वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले कम शोर करती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की परफॉर्मेंस। आप किसी वाहन के अच्छा या खराब होने का पता कैसे लगाते हैं? उसकी परफॉर्मेंस से ही ना। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठना लाजमी है कि हाईवे और सच्चे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की परफॉर्मेंस कैसी है। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाई पावर और अत्यधिक कुशल इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होते हैं। कई ऐसी कार और बाइक निर्माता कंपनियां ऐसी हैं जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की परफॉर्मेंस को बेहतर करने की दिशा में काम कर रही हैं। पेट्रोल पर निर्भरता में कमी। हमारे देश में पेट्रोल के बढ़ते दाम भी परेशानी की बड़ी वजह होते हैं। ये वो मुद्दा है जिस पर जमकर शोर शराबा भी मचता है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश के कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता 82.9% से बढ़कर 83.7% पर पहुंच गई है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि भारत एक बहुत बड़ी रकम पेट्रोलियम पर खर्च कर रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से भारत की पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। बिना पेट्रोल होगी यात्रा। आप अपने फोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? उसे चार्ज करते हैं, फिर जहां जाना हो उसे ले जाते हैं। एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप कहीं भी हो, आपको समस्या नहीं आती। ठीक इसी तर्ज पर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी काम करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी कार निर्माता कंपनियां हैं जो ऐसे डिजाइन तैयार कर रही हैं जिन्हें घर पर भी चार्ज किया जा सके। इसमें आपको इंडस्ट्री की सबसे अच्छी ईवी बैटरी भी मिलती है, जो एडवांस सेफ्टी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म से भी लैस होगी। मेंटेनेंस की नहीं होगी चिंता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेंटेनेंस कैसे होगा, तो टेंशन मत लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेंटेनेंस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लागत 2 से 2.5 गुना ज्यादा होती है। हालांकि जब आप इसे खरीद कर घर लाते हैं तो इसका रनिंग और मेंटेनेंस कास्ट पारंपरिक वाहनों की तुलना में करीब 1/4 ही होता है। यानी आपको इसकी मेंटेनेंस की कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि मेंटेनेंस लागत काफी कम होती है। डिजाइन में परफेक्ट। कार खरीदते वक्त हम सबसे पहले उसका डिजाइन ही देखते हैं। सबसे पहले हम उसके डिजाइन से ही प्रभावित होते हैं। कार जितनी डिजाइनर होती है, हम उतना ही आकर्षित होते हैं। कार का फ्रंट, रियर, साइड प्रोफाइल और इंटीरियर कैसा है, कार खरीदते वक्त हम इन सभी बातों पर ध्यान जरूर देते हैं। लेकिन आपको इसकी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कई इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आपको कई बेहतरीन डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। दुनिया से लेकर हमारे देश में भी कई ऐसे डिजाइन मौजूद हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। कई मॉडल ऐसे हैं
जिनका डिजाइन अर्बन स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक है। इनमें मॉडर्न कारों को दिए जाने वाले तमाम फीचर्स मिलेंगे। इसका अनोखा फ्रंट ग्रिल, हाईटेक फीचर्स और बोल्ड डिजाइन एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं। सुरक्षा मानकों पर खरे, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का फैसला ले रहे हैं तो आपके दिमाग में सुरक्षा का सवाल जरूर आएगा। चाहे बात इलेक्ट्रिक शॉक की हो या फिर रासायनिक रिसाव की, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना पूरी तरह से सेफ है। कई इलेक्ट्रिक व्हीकल एडवांस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म से लैस हैं और इतना ही नहीं, बदलते मौसम में भी एडवांस ईवी को ड्राइव करना काफी सुरक्षित साबित होता है। नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। मौजूदा वक्त में दुनिया का कोई भी देश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ी इंडस्ट्री माना जाता है। बड़ी तादाद में लोग वाहन निर्माता कंपनियों में काम करते हैं, तो जाहिर है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे बड़े स्तर पर नई नौकरियां पैदा होंगी, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज के बदलते दौर में तकनीकी तौर पर विकसित होना बेहद जरूरी है, लेकिन इससे आगे बढ़ते दौर में हमें पर्यावरण को लेकर भी संवेदनशीलता दिखानी होगी, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को एक प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल सके और इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी योगदान दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो भारत सरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। ऊर्जा मंत्रालय 2023 तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की तैयारी कर रहा है और निजी कंपनियां भी ईवी पर तेजी से काम कर रही है। इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। सरकार दे रही है ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की नीतियों पर चल रहा है काम। 2023 तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना, निजी कंपनियां भी ईवी पर तेजी से कर रही हैं काम। लोग पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, इसके लिए सरकार ईवी को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। लोगों को ईवी चलाने में भरपूर सहूलियत और फायदा मिले, इसके लिए देश के कुछ राज्यों ने अपनी नीतियों को भी तैयार किया है। चार्जिंग स्टेशन बनाने से लेकर प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने तक की कवायदे की जा रही हैं। ऊर्जा मंत्रालय 2023 तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की तैयारी में है। इसके अलावा कई निजी कंपनियां भी इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सके, इसके लिए संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। बैटरी की लाइफ को लेकर नहीं होगी टेंशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आमतौर पर लोगों में सबसे बड़ा डर बैटरी की लाइफ को लेकर होता है। भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियां जिस पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, उसे दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तुलना में बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और कुशल पावर ट्रेन सिस्टम से लैस करने की तैयारी की जा रही है। इसमें लंबे समय तक चलने वाली बैटरी दी जाएगी, जिससे कि आप लंबी दूरी की यात्रा को आसानी से तय कर सकते हैं। ईवी को लेकर यूरोपीय सरकारों के प्रयास। दरअसल पहले भारत में ईवी को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब भारत सरकार भी चीन और यूरोपीय सरकारों के प्रयासों में शामिल हो गई है। इन तमाम सरकारों ने उभरते इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए विस्तृत योजना तैयार करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर देश आज प्रदूषण से परेशान है, इतना ही नहीं, उन्हें अपने वाहनों के लिए महंगे तेल को आयात भी करना पड़ रहा है। ऐसे में उचित यही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए और लक्ष्य के साथ सरकारें जो हैं वो आगे भी बढ़ रही हैं। इसी साल भारत सरकार ने इस दिशा में फेम 2 यानी कि दूसरे चरण की शुरुआत की थी।
फेम का मतलब हुआ फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया था। हालांकि कुछ विकसित देशों के साथ अगर तुलना करें तो ये रकम बहुत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में उत्पादकों और ग्राहकों को दोनों का मनोबल बढ़ा रही है। हालांकि भारत सरकार ने चीन और अन्य देशों की तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लक्ष्य तय नहीं किए हैं, जबकि दूसरे देशों ने वाहन निर्माताओं को ये लक्ष्य दे रखा है कि उन्हें कुल वाहन निर्माण में से एक हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का रखना ही होगा। दूसरे देशों में क्या है ईवी का हाल? दरअसल चीन सरकार चाहती है कि उसके कार निर्माता अपनी कुल निर्माण क्षमता के 10% को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की ओर शिफ्ट करें और साल 2020 तक इसे बढ़ाकर 12% कर दें। इसके अलावा चीन की सरकार ने निर्माण और लिथियम आयन बैटरी के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन घोषित कर रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था यानी कि IEA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में चीन दुनिया के आधे इलेक्ट्रिक वाहनों का देश था। उसके बाद यूरोपीय देशों और अमेरिका का नंबर आया। चीन ने 2020 तक 46 लाख वाहन बेचने की योजना बना रखी है। जापान ने भी ईवी के लिए प्रोत्साहनों में बढ़ोतरी की है। दक्षिण कोरिया ने ईवी के लिए राष्ट्रीय सब्सिडी में विस्तार किया है। दरअसल विश्लेषकों का मानना है कि देशों को इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का एक हिस्सा तय कर देना चाहिए। ये सच है कि आज भारत ऐसे वाहनों के संभावनशील बाजार के रूप में विकसित हो सकता है। दूसरे देशों में वाहनों की बिक्री की बात करें तो 2018 में नॉर्वे में कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 46% थी। इस मामले में दूसरे स्थान पर आइसलैंड है। आइसलैंड में कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की हिस्सेदारी 17.2% है। नॉर्वे में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का फीसदी 7.9 है। यूरोपीय देश बैटरी निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों की अन्य कल पुर्जों के निर्माण हब के रूप में विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इन देशों ने पूरी कार्य योजना भी बना रखी है। यूरोपीय देशों में इलेक्ट्रिक कार बिक्री का सबसे बड़ा आधार है। जाहिर है दूसरे देशों को देखते और सीखते हुए आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने की पूरी संभावना है और भारत सरकार को दूसरे देशों से सीखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर हर संभव कदम उठाने की जरूरत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। तो ई व्हीकल मतलब फायदे का सौदा, यानी बिन पेट्रोल डीजल अब गाड़ियां फराटा भरेंगी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ई व्हीकल यानी कल का व्हीकल। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।